इस मॉड्यूल में आ, हम जिक्र करते हैं मैक्रो न्यूट्रेंट्स का क्योंकि इससे पहले हमने बात की थी कि न्यूट्रेंट्स जो हैं इस दो किस्म के हैं मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रेंट्स ये उसी की ही एक्सप्लेनेशन है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या हैं और वहाँ पे हमने जिक्र किया था कार्बोहाइड्रेट्स हैं फैट्स हैं प्रोटीनस हैं यहाँ पे इस मॉड्यूल में विल बी डिस्कसिंग दैक्रो न्यूट्रेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स तो Complex carbohydrates are the major dietary source of energy for heterotrophs. ये हम जितने भी heterotrophs हैं, इसमें animals भी आते हैं, human भी आते हैं, ये इनकी food में सबसे जो important component है, that is the carbohydrates. और ये carbohydrates they इसके different sources हैं। इसके अंदर अब देखें जैसे हम plants में प्लांट्स की मुख्तफ़ प्लांट्स में हम प्लांट्स की चीज़ें खाते हैं कहीं पे हम लीव्स खाते हैं कहीं पे हम स्टेम खाते हैं कहीं पे हम सीड्स खाते हैं कहीं पे हम फ्लावर्स खाते हैं फ्लावर्स भी खाते हैं और ये जैसे मैं uh, कचनार दैट इज़ फ्लावर विच वीट इसी तरह कैबिज सॉरी सॉरी कॉलीफ्लावर कॉलीफ्लावर कैबिज जो है वो सारे के सारे लीव्स uh, uh, होते हैं जो एक दूसरे को इंसर्कल करते हैं। तो ये दीज आर दीज आर दी अवर दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अवर फूड जो कि हम प्लांट से हासिल करते हैं तो मैनी कार्बोहाइड्रेट्स औरिजिनली कम फ्रॉम सोर्सेस। अब देखिए फैट्स हैं फैट्स हम कहाँ से हासिल करते हैं प्लांट्स है प्लांट के कौन से सीड्स है और उनकी उनको क्रश करके उसमें से फ़ैट निकलता है और इसके अंदर बहुत वैरायटी है इसके अंदर ऑलिव ऑयल भी है इसके अंदर क्लोव ऑयल भी है इसके अंदर कैनोला ऑयल भी है इसके अंदर कॉर्न सीड भी है कॉर्न ऑयल भी है सनफ्लावर ऑयल है तो ये सारे के सारे दीज आर द फैट्स दीज आर द न्यूट्रीट्स दीज आर दी दीज आर द मेन न्यूट्रीनस ऑफ फूड जो कि प्लांट से हासिल करते हैं फिर इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पॉलीसेक्राइट्स भी हैं जैसे हमने पिछले मॉड्यूल्स में जिक्र किया कि पॉलीसेक्राइड्स क्या हैं दे आर वेरी लॉन्ग ऑफ ग्लूकोस मॉलिक्यूल्स और इस तरह बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं और जाहिर है कि ये दे आर फॉन्ड बाई द कॉम्बिनेशन और फॉर द लिंकेज ऑफ मोनोसेक्राइड्स और विच आर सेट टू बी द सिंपल यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और तो ये जितने भी हमारी डाइटरी नीड्स हैं जो इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो दरअसल यही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ही है और हमने ये भी जिक्र किया था कि एज सच बिल्कुल प्योरीफाइड फॉर्म में ग्लूकोज़ हमें नहीं मिलता अगर शुगर केन है तो वो भी डाइसेट्राइड है उसके अंदर भी टू मोनोमर्स आपस में मिलके वो ग्लूकोज वो फिर बनता है आ, उसके अंदर चीनी बनती है और इसी तरह ये जो ग्लूकोज हमें जो मेडिसन्स की शॉप में मिलता है वो दरअसल स्टार्च को डाइजेस्ट करके स्टार्च को डाइजेस्ट करके आर्टिफिशियली उसको हम ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं सो दिस इज दिज आर दाइ डाइटरी नीड्स हैं देन कार्बोहाइड्रेट्स दैट फूड्स ब्रेक डाउन टू दांसिट्यूंट शूगर एंड स्टार्च इज अल्टीमेटली स्टार्चीटली ग्लूकोज ये सारे के सारे अल्टीमेटली डाइजेस्ट होते होते स्टेज बाई स्टेज ये भी नहीं है के जो आ, स्टार्च है या सर्ोस है वो एक ही स्टेप में वो उसके मेन कंप उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स या यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाए ऐसा नहीं होता दिस इज ऑलवेज ए स्टेज बाई स्टेज देन इंडिविजुअल सेल्स दैट यूज शुगर इन ग्लाइकोलिस ग्लाइकोलिसिस क्या है ये इनिशियल ब्रेकडाउन है ग्लूकोज की जो सेल के साइटोप्लाजमी होती है और इसके रिजल्ट पे पैरुविक एसिड बनते हैं और ये आ, और ये जाहिर है इस चीज़ को हम एनारोबिक एरोबिक सॉरी एरोबिक रेस्पिरेशन का अमल देते हैं सॉरी एनारोबिक दैट इज दैट दैट इज दैट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और उसके बाद फिर आ, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो पैरुबिक एसिड एंटर होता है और फिर वो उसकी फर्दर ब्रेक डाउन होती है और फिर एटीपी की प्रोडक्शन होती है वेल well, इन दिस डाइग्राम जिसके अंदर ये कार्बोहाइड्रेट्स देन लिपिड्स और प्रोटीन्स हैं अब कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं दे डाइजेस्ट इन टू दैट इज शूगर स्टार्चिज दे कन्वर्ट इन टू ग्लूकोज फिर उसके बाद ग्लाइकोलिस दिस इज अ प्रोसेस जिसके तहत फिर एसिटाइल को ए बनता है और वो फिर क्रेपसाइकिल में एंटर होता है और ये दिस इज दिस कार्बन कंपाउंड्स हैं ये कार्बन कंपाउंड्स ही हैं जो कि एक सर्कल के अंदर जिससे आप फेमिलियर होंगी ऑब्वियसली देन लिपिड्स विच आर नेचुरल लिपिड्स देन क्लिस्टरोल स्टीरॉयड और ये जो दो चीज़ें हैं ये मिल के कंबाइन होकर फैटी एसिड्स बनते हैं और स्टीराइड्स जो हैं दे आर द एनिमल नीड्स जिसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है और फिर उसके बाद फैटी एसिड्स हैं ना अदर लिपिड्स आर एनिमल नीड्स और ये एनिमल की एनिमल की ये नीड है इसलिए हमारी हर फूड में वी डेफिनेटली ऐड दिस फैट और द वेजिटेबल ऑयल्स एंड ऑन तो ये भी और फैटी एसिड जो हैं डायरेक्टली ए सी टाइल को ए में कन्वर्ट होते हैं वो फिर इसी तो दिस इज़ अ मेन पॉइंट जहाँ पे हर किस्म की फूड कार्बोहाइड्रेट्स हैं या लिपिड्स हैं या फिर प्रोटीन्स हैं प्रोटीन्स दे डाइजेस्ट इनटू टू एसिड्स और ये प्रोटीन्स दी एनिमल नीड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसके बगैर बी प्रोटीन हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर या बॉडी का प्रोटोटाज ही सिंथिसाइज नहीं होगा और फिर ये नाइट्रोजन वेस उसमें निकल जाते हैं क्योंकि ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंडस हैं इसलिए नाइट्रोजन वेस भी बनते हैं और फिर क्रैपसाइकिल के रिजल्ट पे एट डिफरेंट पॉइंट्स ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट चेंज जो कहलाता है और इसकी इसकी एंड पे ए टी पी की प्रोडक्शन है और ये ए जो है दैट इज द इमीजिएट दैट इज़ वेरी क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी और अगर हम आराम से खड़े हैं एकदम भागना शुरू कर दें तो जो फूड कहाँ से आए ये एनर्जी कहाँ से आएगी इट इज़ इनफैक्ट द ए टी पी ब्रेक डाउन तो ए टी पी ब्रेक डाउन जब होती है तो वो एनर्जी बनती है विच इज़ द यूजबल फॉर्म ऑफ एनर्जी तो दैट इज़ द एनर्जी विच इज़ द यूज फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज यहाँ तक कि ये, ये जो ब्लिंकिंग ऑफ द आई दैट आल्सो नीड्स एनर्जी हम उंगली उठाते हैं दैट नीड्स एनर्जी तो हर हमारी बॉडीली एक्टिविटीज दैट नीड ए और ए की ब्रेक की ब्रेकडाउन से ही यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी बनती है और इसका पीछे मेन सोर्स जो है दैट इज द फूड विच इज वेरी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की फैट्स में और प्रोटीन्स की फॉर्म में सो दिस इज ऑल अबाउट दीज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स सो दैट्स ऑल